गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आणि शुभ सकाळ. मैं योगीराज जाडेजा सिक्योरिटी तरफ से आज इस गणतंत्र दिवस के प्रमुख आकर्षण डॉग शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं. अब डॉग हैंडलर श्री देवेंद्र सिंह हमारे आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्रेसिडेंट सर श्री आदरणीय अविनाश शिखंडे सर से डॉग शो शुरू करने की अनुमति मांगने के लिए जा रहे हैं. जन साहब, मैं डॉग शो शुरू करने की अनुमति चाहता हूं. यहां पे अनुमति मिलते ही देवेंद्र साहब निकल चुके हैं अगले कमांड की ओर. अब हम इस शो का प्रथम भाग शुरू करके इन जांबाज डॉग का परिचय देंगे. सबसे पहले स्थान पर है डॉग केनल के उसेन बोल्ट कहे जाने वाले पैटर्न. जी हाँ दोस्तों, इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है. आप सभी इसके अनोखे अंदाज से भलीभांति परिचित है. ये बहुत ही तेज तरार डोबरमैन प्रजाति का डॉग है. ये किसी भी वस्तु को गंध के आधार पर उस तक पहुंचने में मार्गदर्शन करता है, इसलिए इसे ट्रैकर डॉग भी कहा जाता है. इसके साथ है डॉग हैंडलर श्री सुखबीर सिंह. दूसरे स्थान पर है वायु. ये भी अग्नि की तरह जर्मन शेफर्ड प्रजाति का डॉग है. ये अपने नाम की तरह वायु की गति से दुश्मन पर टूट पड़ता है. इसकी खास बात यह है कि अगर किसी इंसान या वह जीव को ये अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ ले तो उसका बच भागना मुश्किल है. तो इनके साथ थे डॉग हैंडलर श्री दिनेश सिंह. तीसरे स्थान पर है अग्नि. ये भी वायु की तरह जर्मन शेफर्ड प्रजाति का बहुत ही ताकतवर और आक्रामक डॉग है. मित्रों, आपने जैसे पिछले साल इनको देखा था तब ये सिर्फ 1.5 साल के थे और अभी आप इनके फिजिकल चेंज देख सकते हैं इनमें. इसके साथ थे डॉग हैंडलर पिंटू सिंह. और चौथे स्थान पर एक खूबसूरत विस्की गोल्डन रिट्रीवर प्रजाति का बड़ा ही होशियार और खूबसूरत डॉग है. इसका ये नाम इसके सुनहरे रंग की वजह से पड़ा है. इसके साथ है डॉग हैंडलर वीरेंद्र सिंह. पांचवें स्थान पर है हमारे डॉग स्कोर के नटखट एवं हैंडसम मोंटी. ये लैब्राडोर रिट्रीवर प्रजाति का बहुत ही मिलनसार लेकिन इंटेलिजेंट डॉग है. इसके साथ थे डॉग हैंडलर श्री विजय सिंह. और सबसे अंत में सबसे बुजुर्ग डॉग के नल के कमांडो. ये सबसे बुजुर्ग सदस्य है यहाँ पे. और इनके साथ थे डॉग हैंडलर श्री बैरिस्टर यादव. यहाँ पे अगले कमांड की ओर साहब ने कमांड दिया है अगली इवेंट की ओर बढ़ते हुए. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सब डॉग्स के लिए और उनके हैंडलर्स के लिए. आप अपने लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि दो नन्हे नटखट, एक का नाम है ऑस्कर. ये मोइंग. अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आप उनकी शरारत देख सकते हैं. अब हमारे डॉग स्क्वाड के सबसे हैंडसम सदस्य मोंटी यहाँ पे सामने पुष्प गुच्छ देकर अपने अतिथि का स्वागत करेंगे. उनके लिए एक कमांड दे रहे हैं श्री देवेंद्र सिंह साहब. देखिए किसे शिस्तबद्ध सभी डॉग को मालूम है कि कौन से कमांड पे क्या करना है. कमांड मिलते ही तीनों डॉग आगे बढ़ते हुए अब हमारे डॉग स्क्वाड के बीच में जो मोंटी खड़े हैं सबसे हैंडसम सदस्य है डॉग केनल के वो आगे आएंगे और अपने खुद मुंह से ये फ्लावर बुके पकड़कर अतिथिगण का स्वागत करेंगे. देखिए कमांड मिलने पर सिर्फ मोंटी ही आगे बढ़ रहा है. इस तरह की खास तालीम दी जाती है इनको. अभी कमांड देने पर
देखिए कितनी बखूबी से उन्होंने अपने मुंह में पुष्प गुच्छ लेकर आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट सर को देने के लिए। हमारे प्रमुख अतिथि माननीय श्री अविनाश श्रीखंडे सर को पुष्प देने के लिए मॉन्टी पहुंच चुका है, उसे ले लीजिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मॉन्टी के लिए। यहाँ पे सैल्यूट करते हुए सर को और बधाई देते हुए देखिए बिना कुछ बोले सिर्फ अपने हैंडलर के एक्शन पे ही मार्च कर चुके हैं ये डॉग। लगता है इसकी लीश बांधने के लिए भी अलग से कमांड दी जाती है। देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस कमांड पे लीश बांधी जाती है और उसको वापस कमांड देके वो सावधान करेंगे तो खड़ा हो जाएगा। तो अगला सेशन है ओबीडियंस सेशन। ओबीडियंस मतलब कि दिए गए हुए ऑर्डर्स को शिस्तबद्ध पद्धति से अमल करना। इस शो में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक अनूठी शैली में डॉग्स को ऑर्डर दिया जाता है और सारे डॉग रहने के लिए अपनी जगह पे भी एक स्पेशल कमांड दी जाती है। देखो टैक्स नहीं लगा है। देखिए जिस डॉग को कमांड मिलेगा वही डॉग वो परफॉर्म करेगा। इतने ओबीडियंस है, इस तरह की ट्रेनिंग से गुजरते हैं अपने डॉग केनाल में। देखिए इनको आराम करने में भी वक्त नहीं लगता। अपने हो गया है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। यह एक बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता दर्शाता है अपने हैंडलर्स और डॉग के बीच में। वायु भी उसी का पाए है। यहाँ पे पैटर्न बड़ी फुर्ती से उसेन बोल्ट इसीलिए कहते हैं उनको। कैसे ये सिट रोल बैक स्लिप एक जेंटलमैन की तरह। देखिए किस तरह से ये कमांडो अपने दो पैरों पे खड़े होकर ओबीडियंस दिखा रहा है। अंधे बस्ती रहनी चाहिए, उनका हौसला बुलंद रहना चाहिए। विस्की को कमांड दिया, विस्की देख रहा है कि कितनी देर तक करवाएंगे मुझसे। ये अपने हैंडलर्स के साथ हैंडशेक करेंगे। लगता है वायु को जल्दी है बड़ी। ये रिपब्लिक डे में फूला नहीं समाया क्योंकि कल बहुत मेहनत की है वायु ने। देखिए कैसे एक जेंटलमैन की तरह ये शेक इन कर रहा है अपने हैंडल्स के साथ। ये था कमांडो, ये है मॉन्टी। रिपब्लिक डे की खूब खूब बधाइयां अपने हैंडल्स को देते हुए विस्की। ये है अग्नि, सोच रहा है कि लेफ्ट हैंड से करूं या राइट हैंड से करूं। और ये पैटर्न, पैटर्न का आज मूड नहीं है हैंडशेक का। यहाँ पे नेक्स्ट सेशन की ओर कूच कर दी है अपनी टीम ने। वायु इधर उधर देखते हुए देख रहा है कि सब लोग का ध्यान उसी के ऊपर है या दूसरे डॉग के ऊपर है। अटेंशन सीकर है वायु। ओबीडियंस सेशन हो चुका है और हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सेशन। देखिए अभी एक्शन ड्रिल के लिए ये चारों डॉग्स निकल चुके हैं अपने परफॉर्मेंस की ओर। डॉग हैंडलर बैरिस्टर यादव कमांडो के साथ, दूसरे स्थान पर है मोंटी वीरेंद्र साहब के साथ और आखिरी में है अग्नि पिंटू साहब के साथ। देखिए किस तरह से एक सर्कल बनाकर पूरी ड्रिल दिखाएंगे आप सबको। जैसे कि मैंने बताया एक्शन ड्रिल का मतलब होता है कि जिस तरह से हैंडलर्स करेंगे सेम उसी तरह ये चारों डॉग्स उनको फॉलो करेंगे। जो भी एक्शन वो करेंगे वो
देखिए एक मिसल पे जैसे अपने हैंडलर्स बैठ गए उसी तरह वो डॉग्स भी बैठ गए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ये अद्भुत परफॉर्मेंस के लिए। हैंडलर सो गए तो डॉग भी सो गए, उन्होंने रोल किया तो उन्होंने भी रोल किया। लाजवाब डिसिप्लिन यहाँ पे देखने को मिलता है। सैल्यूट करते हुए फाइनली अपने हैंडलर्स को जोरदार तालियां होनी चाहिए। है लाइव ऑब्स्टेकल जंप। लाइव ऑब्स्टेकल जंप का मतलब यह है कि डॉग्स खड़े रहेंगे और दूसरे डॉग उसके ऊपर से जंप करेंगे। दे रहे हैं श्री देवेंद्र सिंह साहब। अपना अगला परफॉर्मेंस है लाइव जंप सेशन। पैटर्न अपनी जगह पर ही खड़ा है क्योंकि उनसे ये ड्रिल नहीं करवाई जाती क्योंकि वो एक ही बार में सारे डॉग को एक साथ कूद जाते हैं, तो इसलिए उनको आज फिर से मैं बता दूं ये सेशन का नाम है लाइव ऑब्स्टेकल जंप, जिसमें चाबास डॉग्स छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स को बड़ी चतुराई व फुर्ती के साथ पार करेंगे। यहाँ पे कमांडो ने अपने आप को सज्ज कर लिया है। देखिए कमांडो कितना उत्सुक हो रहा है अपना ये ड्रिल करने के लिए। उसको सबसे पहले शाबाशी देनी पड़ती है, फुसलाना पड़ता है कि ये आपका काम है, बखूबी निभाइए। देखिए किस तरह से उतावला हो रहा है ये जंप करने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार कमांडो के लिए। लगता है वायु निकलते हुए, जैसे आर्मी कमांडोज को ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरह की सेम ट्रेनिंग क्रूलिंग की ये कमांडो ने ली है। एक बार तालियां हो जाए कमांडो के लिए। जिस तरह से किसी सीक्रेट ऑपरेशन पे कमांडोस किसी को न देखते हुए क्रॉलिंग करके दुश्मन के नजदीक आके उनको चकित कर देते हैं, उसी प्रकार की ट्रेनिंग सेम कमांडो ने ली है। अपने यह कमांडो साथी जोरदार तालियां। अब दिल थाम के बैठिए क्योंकि यहाँ पे विस्की के साथ आगे बढ़ते हुए इसमें आप देखेंगे इसको सपोर्ट कर रहा है विस्की। जोरदार तालियां हो जाए विस्की के लिए। देखिए सिटअप्स कर रहे हैं यहाँ पे अपने हैंडलर और वो आराम से मंद मंद मुस्कुरा रहा है कि चलो हमें तो नहीं करने पड़ रहे। यहाँ पे विस्की सपोर्ट करते हुए अपने हैंडलर का। जोरदार तालियां विस्की के लिए। देखिए किस तरह से अपने हैंडलर को फॉलो करते हुए पुशअप्स भी मार लेता है विस्की। अभी थोड़ा डाइट चालू है उसका, जिम में एंट्री नहीं देते तो खुद ही कर लेता है। देखिए किस तरह से अपने हैंडलर के साथ क्रोलिंग कर रहा है। अगर इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर किलोमीटर्स तक चलना पड़े तो शांति से बिना कुछ आवाज किए अपने हैंडलर्स के साथ चल सकते हैं। जोरदार तालियां एक बार विस्की के लिए। अब जो बेहतरीन और आकर्षक इवेंट है उस वो है और कमांड देते ही किस तरह से फॉलो करेंगे विस्की आप देखिए जरा उत्सुक होते हुए। तालियां एक बार विस्की के लिए। बिना कुछ अड़चन के एक लॉन्ग ड्राइव के लिए आग्रह कर रहे थे तो देखिए किस तरह से हाथ रख दिया है। ये देख के मुझे जय और वीरू की याद आती है। जोरदार और प्यार की कोई भाषा नहीं होती। देखिए किस तरह से आनंद उठा रहे हैं यहाँ पे रिपब्लिक डे पे। इनको देख के एक ही गाना याद आता है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जोरदार तालियां विस्की के लिए।
अपने हैंडलर के कानों में बार बार बोल रहा है कि और एक चक्कर, और एक चक्कर, और एक चक्कर। यहाँ पे काफी बखूबी से राइड का आनंद ले लिया विस्की ने। देखिए किस तरह से कमांड पर ही वो अपनी सीट से उतरा। सही में एक बार दिल से जी, जितने मासूम दिखते हैं उतने हैं नहीं। अब यहाँ पे जिसके हाथ से रुमाल छुआ था उन्हीं के पास वापस जाकर से रुमाल लिया गया था। तो अब किर्लोस्कर सर पेटन के मुंह के पास हाथ रखेंगे ताकि वो अपनी स्मेल उसमें ले ले। यहाँ पे पेटन अच्छा, यहाँ पे पेटन ने अपना काम कर दिया है, स्मेल लेके वो अपने मिशन। जो रुमाल सर ने उठाया था वही रुमाल ट्रे करके दिखा दिया है, अपना काम कर दिया है यहाँ पे पेटन ने जोरदार। देखिए किस तरह से अग्नि को भनक लग गई है कि चोर यही कहीं छिपा हुआ है, उसको ढूंढने के लिए अपने हैंडलर पिंटू सिंह यादव के साथ निकल चुका है अग्नि। साथी डॉग्स उसका साथ देते हुए उनको डायरेक्ट कर रहे हैं कि चोर यही कहीं छिपा हुआ है, कृपया दिल थाम के बैठेगा क्योंकि ये देखने के बाद आप कभी और अग्नि ने उनको चोर फिर भी अग्नि ने या तो उसका हाथ छूटेगा या तो अग्नि जो आप देखने जाएंगे वो एक अलग ही और रोमांचक करतब होगा। देखिए किस तरह से यहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया है, यहाँ पे उन्हें कूदने में आज मजा नहीं आ रहा, सोच रहे हैं कि आज करें कि ना करें, फिर भी अपने हैंडल्स का कमांड मानते हुए यहाँ पे कमांडो जोरदार तालियां कमांडो के लिए। सबसे बुजुर्ग डॉग केनल में यही है, इन्होंने नहीं करना था फिर भी कर दिया। यहाँ पे मोंट की कैसे विस्की आगे बढ़ रहा है, विस्की ने लास्ट ईयर विस्की नहीं कर पाया था तो इस बार सोचा है कि नहीं अब के तो करके ही जाना है। विस्की देखिए कैसी बखूबी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स की ओर, जोरदार तालियां तालियां बजती रहनी चाहिए, इनका हौसला बढ़ता रहना चाहिए। देखिए किस तरह से अग्नि कूद रहा है यहाँ पे काफी बखूबी से, इसकी गति का कोई मर्यादा नहीं। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए अग्नि, वायु ने अग्नि को देखा और उन्हें जोश चढ़ गया कि अग्नि से अच्छा करके दिखाना है। सुबह प्रॉमिस करके आए थे अग्नि से कि इस बार आपसे अच्छा करके दिखाएंगे, बाद में ही करेंगे। देखिए कैसे बखूबी से अपने आराम से वॉल क्रॉस करके गए, थोड़ा डिले। उसे बोल्ट के नाम से जाने जाते हैं, लास्ट ईयर जो मूवी आई थी फ्लाइंग जट ये इन्हीं को देख के बनाई गई थी। यहाँ पे काफी बखूबी से आगे रेसिंग लाइन छोटी पड़ गई, काफी बढ़िया है यहाँ पे जोर।